नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, 100 दिन की जो कार्य योजना मुख्यमंत्री के द्वारा सभी को दिशा निर्देश दी गई थी, उसमें लग रहा है यूपी ट्रिपल एससी अब आपका आगे काम बढ़ा चुका है। आज जो एनएम आपकी परीक्षा सबसे पहला विज्ञापन 2021 वाला पीटी के अंतर्गत आया था, उसमें आपकी मुख्य परीक्षा को लेकर के आज आपकी एक नोटिस आयोग के द्वारा दी गई है। और इस नोटिस में आपका जो है एनएम की मुख्य परीक्षा में कितने लोग पर आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो एक ऊहापोह लेखपाल को लेकर के चल रहा था, जो अभी तक अंदेशा चल रहा था, उन पर कहीं ना कहीं स्थिति अस्पष्ट हो रही है। हालांकि बहुत कुछ अभी भी बाकी है, इस जो है आयोग के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। जब हम बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एनएम की आपकी जो है मुख्य परीक्षा है, तो विज्ञापन निकाला गया था, फॉर्म निकाला गया था, 9000 आपके पद थे, 9000 पदों के लिए लोगों ने अप्लाई किया। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी पीएटी के अंतर्गत आएगा, बाद में सारे लोग जान पाए, तो कुछ लोगों ने पीएटी दिया भी था, उन लोगों ने अप्लाई किया था। हालांकि इसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो लोग बहुत ही आपके संख्या में कम थे। ये विज्ञापन आपकी जो है संख्या दूसरी थी, जो है 2021 वाली, तो इस पर आज आपके मुख्य परीक्षा और शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले मतलब एस्पिरेंट की पूरी संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले सबस अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता कि विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा बटे 2021 की मुख्य परीक्षा दिनांक 8/5/2022 रविवार को आयोजित होगी। यानी 8 मई जिन्होंने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है वो सारे के सारे दोस्त कमर कस लीजिए, क्योंकि मौका अब आपके पास नहीं है ज्यादा, समय आपके पास ज्यादा नहीं है। इससे संबंधित अगर आपने कोर्स वगैरह कहीं मान लीजिए कोई तो चला ही नहीं रहा था, हम लोग भी प्रयास में थे लेकिन इस बार थोड़ा सा चूक गए, नहीं चला पाए, लेकिन आपको बीच बीच में आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। और इसमें जैसे आयोग ने इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों जिनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2021 में धनात्मक मतलब 0 से अधिक अगर आपने अंक अर्जित कर लिया, 0 से ज्यादा अगर आपके अंक अर्जित हैं, 1, 2, 3, 4 जो कुछ है नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त किया है, को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग एक शॉर्टलिस्ट किए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब सारे के सारे लोग जाएंगे, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए तो वहां पर अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा कि कब आपका परीक्षा शुल्क भी आपको देना है अभी, ठीक है, और एडमिट कार्ड तब आपका डाउनलोड होगा। तो 8 मई को आपको परीक्षा, इसको लेकर के जैसे भविष्य आपकी जो चीजें हैं, अभी दूसरा जो विज्ञापन आपका है ज्यादातर उम्मीद है एजीटीए का आपका 2000 पदों का होगा, फिर आपके लेखपाल को लेकर के होगा, लोअर आपकी फिर से आने की पूरी संभावना है, वो कब होगी आपकी, अभी तक तो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में खींचातानी मची थी कि कौन कराएगा, लेकिन लोअर के पुनः आने की आपकी उम्मीद है। तो आगे जैसे लेखपाल में क्या हो सकता है, हालांकि इस पर जो अनुमान कहा जा सकता है कि लेखपाल में क्या शॉर्टलिस्टिंग होगी, यहां पर पद आपके जिस थे पदों के सापेक्ष में आवेदन बहुत कम हुए थे, क्योंकि सभी के पास डिग्री नहीं थी और सारे लोग जानते भी नहीं थे, जो कहीं कार्यरत भी थे कोर्स वगैरह उन्हें यह पता नहीं था कि पीटी के अंतर्गत आपकी होगी। तो एक चीज है, अब आप लोग जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ करना तो पीटी देना है, अगली बार वाली पीटी आए तो सारे लोग डालिएगा और मेहनत करके जो है परीक्षा दीजिएगा कि स्कोर आपका अच्छा हो। इसके साथ ही मैं आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई अन्य जैसे ही जानकारी हो वो त्वरित तौर पर आपको मिल जाए। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि लेखपाल के लिए आयोग में कोई अगर ऐसी हलचल होती है तो उसके बारे में आपको तुरंत सूचना फिर मिल जाएगी। हालांकि लेखपाल पर काम चल रहा है, 100 दिन की कार्य योजना पर आयोग आपका कार्य कर रहा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगली नई अपडेट के साथ, तब तक कहीं मत जाइए, बने रहिए परीक्षा प्लस के साथ। धन्यवाद।